मुजफ्फरपुर में जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दूर दराज गाँव से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोगों को अब शानदार वातानुकूलित भवन में प्रतीक्षाली के साथ जीविका दीदी रसोई के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को जिला निबंधन कार्यालय में प्रतीक्षालय और जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारी राहुल कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित और रिबन काट कर किया। आज यहाँ पर निबंधन कार्यालय के पार्श्व बगल में हम लोगों ने प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। बेसिकली जो निबंधन के लिए पक्षकार यहाँ उपस्थित होते हैं उनको यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहूलियत दी जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ कंटेंट बिल्डिंग थी जिसका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करा करके उसमें काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएँ दी गई हैं ताकि पक्षकारों को कोई दिक्कत न हो, काफ़ी सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में दीदी की रसोई के रूप में एक स्नैक्स काउंटर का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है ताकि आने वाले पक्षकारों को और आसपास के कार्यालयों में जो भी लोग आते हैं सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य से उन्हें आसानी से सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें, इसको लेकर यह किया गया है। और मैं इसको काफ़ी सफल होने की कामना करता हूँ, उम्मीद करते हैं कि सफल होगा। जी, हम लोग तो पहले से ही सदर हॉस्पिटल में चल ही रहा था और वहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन और बहुत अच्छे तरीके से मरीजों को दिया जा रहा था, साथ में कस्टमर को भी दिया जाता था। और यहाँ पर खुलने का हम लोग का उद्देश्य है कि क्योंकि वहाँ पर जाने में यहाँ से कठिनाई होती थी दृष्टि होकर, और यहाँ पर हमारे जो डीएम भैया हैं उनका आदेश था कि यहाँ पर भी एक खुलना चाहिए, इसके लिए हम लोग आज उसका आशीर्वाद कर दिए हैं। साथ में खाने के अलावा यहाँ पीने के लिए नीला भी उपलब्ध कराई गई है, साथ में वो पेड़ा है, नीला से बना हुआ पेड़ा है, उसके बाद गुड़ भी मिलेगा कुछ दिन के बाद और रसगुल्ला भी तैयार होगा। सराहनीय कार्य हुआ है जो यहाँ की जनता के लिए रजिस्ट्री ऑफिस निबंधन कार्यालय में आने वाले जनता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और जलपान पेय पदार्थ जो है ये भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, ये सब उपलब्धता की गई है। जीविका दीदी की तरफ से यहाँ रसोईया का भी व्यवस्था किया गया है, उनका भी रोजगार व्यवसाय और फलने फूलने का मौका उनके भी परिवार और उनको भी मिलेगा इससे।